गाइस एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आई है हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए जो बहुत ही ज्यादा निराश एंड डिप्रेशन से गुजर रहे थे कुछ वीक से, जैसे पबजी बैंड हो गया, उसके बाद फ्री फायर बैंड हो गया। जिन जिन लोगों को इसमें करियर दिख रहा था अचानक से उनके सपने सीधा पानी में डूब गए। लेकिन अभी के टाइम पे मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग का मन करेगा नाचने का। सीरियसली बता रहा हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज है। ये वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो अपने ई स्पोर्ट्स करियर को अपना भगवान मानते, सब कुछ मानते। जैसा कि आप लोग को मालूम हो गया, अब से कुछ दिनों पहले पबजी बैंड हो गया, उसके साथ ई स्पोर्ट्स भी बैंड हो गया, यहाँ तक कि फ्री फायर भी बैंड हो गया, वो भी स्पोर्ट्स वहाँ से बैंड हो गया। अभी हमारे पास कोई स्पोर्ट्स था नहीं, एक पोकेमोन गो का स्पोर्ट्स था, वो भी चल रहा है, लेकिन छोटे लेवल पे उस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा इंडिया में। तो ये जो दो गेम थे जो मेजर थे, फ्री फायर एंड पबजी, इनका दबदबा था इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में। अभी के टाइम पे दोनों ही बैंड चल रहे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आया जिनको सुन के आप लोग की एकदम ही रोंगटे खड़े हो जाने वाले। एक पोस्ट सामने आया है मिनिस्टर ऑफ द यूथ अफेयर स्पोर्ट्स की तरफ से, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अब से जो भारत पे ई स्पोर्ट्स होंगे, टूर्नामेंट्स होंगे गेमिंग वाले, वो लीगल है, वो कर सकते हैं। भारतीय सरकार उसका पूरी तरीके से स्वागत करेगी और उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, जो बहुत ही बड़ी न्यूज है हमारे इंडिया के लिए और इंडिया के प्लेयर्स के लिए जो बहुत ही ज्यादा ई स्पोर्ट्स को प्यार करते हैं। तो गाइस अगर आपसे आप लोग ई स्पोर्ट्स खेलते हो तो अगर आप उस पे जीत जाते हो इंटरनेशनली लेवल पे, तो आपको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा सकता है हमारे इंडिया की तरफ से। इसका मतलब ये है कि अब से स्पोर्ट बन चुका है, जैसा हमारा क्रिकेट है कि पेरेंट्स अलाउ करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, वैसे अब आपके भी पेरेंट्स को आप कन्विंस कर सकते हो कि हाँ देखो ये भी अब एक स्पोर्ट्स बन चुका है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो अब हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट जब भी कोई खेलेगा तब ये कोई नहीं बोलने वाला है कि भैया ये तो कार्टून वाला गेम है, इससे पैसे कहाँ मिलने वाले। भैया अब हमारा गेम है ना बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनली लेवल पे पहुंचने वाला है। तो प्राउड ऑफ दिस मुंबई, प्राउड ऑफ इंडिया, आप लोग ने जो भी डिसीजन लिया बहुत ही सही लिया, इस चीज को हम लोग सीरियस लेंगे और हमारे पेरेंट्स भी सीरियस लेंगे। तो ये वीडियो को अपने जितने भी दोस्त है पबजी फ्री फायर सब में शेयर करो, जो भी स्पोर्ट्स को मजाक समझते उन लोग को भी शेयर करो। चलो देख लेते कितना पावर ई स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया में। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। फ्रॉम डेविल किंग ऑफिशियल, लव यू गाइस, बाय बाय।